शाहजहांपुर के कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय छात्र परिषद के पदाधिकारियों ने चाइनीज मांझे की बिक्री प्रतिबंधित नहीं किए जाने पर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पवन मिश्रा ने कहा कि शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में तमाम दुकानों पर चाइनीज मांझे की बिक्री बेरोक टोक जा रही है। कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी सरकार की लापरवाही के चलते चाइनीज मांझे की बिक्री पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा। चाइनीज मांझे बच्चे व बड़े सभी के लिए खतरे का कारण बना हुआ है। मांझे की चपेट में आकर कई बच्चे व वयस्क घायल भी हो चुके हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के लिए भी चाइनीज मांझा मौत का कारण बना हुआ है। जिन दुकानों पर चाइनीज मांझा बिक्री की जा रही है उन दुकानों को चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो राष्ट्रीय छात्र परिषद कार्यकर्ता चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वसंत पंचमी का पर्व नजदीक आने पर दुकानदारों ने चाइनीज मांझे का स्टॉक जमा कर रखा है। पुलिस को ऐसी दुकानों पर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। जिस तरीके से पतंगों के ऊपर चाइनीज मांझे आ रहे हैं और जिससे लोगों को काफी घातक प्रहार उससे होता, लोगों की काफी गर्दनें कट गई हैं, मौत भी हो चुकी हैं, उसे किस तरीके से आप लोगों ने आज प्रदर्शन किया है? ये जिला अधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को मैंने दिया है। हमारी ये मांग है कि जब इस पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा है उसके बावजूद भी इसके खुलेआम शहर में बिक्री क्यों हो रही है और इसको प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इनको दुकानों को मार्केट में जा जाके चिन्हित करना चाहिए और एक एक दुकान पे कार्रवाई हो जहाँ जहाँ खुलेआम बिक रहा। मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं जहाँ जहाँ चाइनीज मांझा बिक रहा है। और अभी दो तीन दिन पहले एक विकलांग थे, उनकी उंगली वगैरह कट गई थी। आए दिन घटनाएं होती हैं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ये पूर्णतया बंद होना चाहिए। इसमें कई ऐसे पुलिसकर्मियों की गर्दनें भी कट चुकी हैं और मतलब पक्षी ऐसे हैं जो घायल हो चुके हैं और ये चाइनीज मांझा बता रहे हैं इतना घातक है जिससे कि जहाँ पे कट जाता है वहाँ से जो है वो सड़ना शुरू कर देता है। नहीं, फिर भी इसे रोकने ले पा रही, आखिर किसका क्या रीजन है? कहीं ना कहीं प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है या हो सकता है किसी के संरक्षण में ये सब हो रहा हो। तो इस पे आप लोगों ने अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आज उठाई है ना, आगे उठाएंगे। एक हफ्ते का टाइम दिया, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग उग्र